नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद ललितपुर के नए पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय की समस्त शाखाओं का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने सभी को साफ सफाई रखने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने पुराने रिकॉर्ड के रजिस्टर को सुसज्जित करने हेतु भी निर्देशित किया और पुराने अभिलेख जो बीट आउट हो गए हैं उनको निस्तारित कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया। उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को अच्छी वर्दी पहनने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने पुलिस महकमे के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि यदि कोई मिलने आता है तो उसको सूचना जल्द उपलब्ध कराई जाए ताकि महकमे का नाम खराब ना हो। साथ ही उन्होंने पुलिसकर्मियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर कोई भी पुलिसकर्मी बख्शा नहीं जाएगा। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर मीडिया की रिपोर्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।